आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आज? हाँ सर। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, सुडो कोड्स कैसे यूज करना है। सर हाँ बोलिए। सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ एक बार बोलिए। हाँ वो बता दूंगा, क्योंकि ये भी किसी ने डाउट पूछा है, मैं बता देता हूँ। तो एनएलएम में हमने सूडो पोड्स के बारे में बात किया था, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, फ्रिक्शन में भी यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ही। तो सूडो पोड्स ये इतना ही समझो आप, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी फ्रेम है, मान लो जैसे एक एग्जांपल इससे वापस समझाता हूँ मैं। मान लो कि जैसे ये कोई बस है, मान लो है ना, और ये बस मान लो एक्सलरेट कर रही है, ये बस मान लो एक्सलरेट कर रही है, और एक ब्लॉक मान लो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक बंदा मान लो यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये बंदा जो खड़ा है तो ग्राउंड पे खड़ा है ना, ये ए बंदा है, और ये जो है ये इस बस के अंदर है, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये बंदा इस बस के साथ साथ चल रहा है। तो मान लो अगर बस इधर की तरफ ए एक्सलरेशन से जा रही है, कितने से आ रही, ए एक्सलरेशन से, मैं यही चलो फ्रिक्शन का भी बताऊंगा इसके साथ में। और ये मान लेते हैं रफ सरफेस है, और ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है बस के रेस्पेक्ट में, ये जो ब्लॉक है यहाँ, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू, विद इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस, विद रेस्पेक्ट टू बस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो आगे जा रहा है, अगर इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है इसका मतलब क्या हुआ, एक सिलेक्शन से आगे जा रहा है। लेकिन बस के रेस्पेक्ट में जाके देखेंगे तो बस में तो रेस्ट पर है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स और वेट, ये सब रियल फोर्स है, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है, मैं ग्राउंड से भी करके दिखाऊंगा आपको, फाइंड दी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन दी ब्लॉक, है ना। इसका मास मैंने ले लिया, चलो 2 kg है, और ये मान लो 5 m/s से 5 m/s² से बस जा रहा है आगे। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूं, सबसे पहले ग्राउंड से सॉल्व करता हूं, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, तो ग्राउंड से भी वही आंसर आना चाहिए और बस के रिस्पेक्ट में भी वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो तो फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो ये रियल फोर्स है, और रियल फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ग्राउंड से सॉल्व करूंगा तो अगर ये एक्सलरेट कर रहा है तो बस के साथ जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसको लेके कौन जा रहा है फिर आगे, क्योंकि अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये एक सिलेशन से जा रहा है, इसका मतलब है कि इसको फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये इसको आगे लेके जा रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ, एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, यानी 2 × 5, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 10 N आ गया, कितना आ गया, 10 N आ गया, इतना है, क्योंकि ग्राउंड से तो एक्सेलरेट कर रहा, तो ये इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड है, सेकंड मेथड है विद रिस्पेक्ट टू बस जाके करेंगे, तो बस क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो बस एक्सेलरेट किधर कर रही है, राइट साइड में कर रही है, तो राइट साइड में कर रही है तो क्या हो जाएगा, बस को अब क्या क्या जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको रोक देते हैं,
तो बस को मैंने रोक दिया। अब आप यहाँ देखो, इसको शूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, इसको शूडो फोर्स इसको पीछे लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बस आगे की तरफ एक्सलरेट कर रही है हमारे पास, और ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसका मास इनटू एक्सलरेशन किसका, जो फ्रेम में ये बैठा है, एफपीएस लग रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, तो सिंस विद रेस्पेक्ट टू बस इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, जीरो, तो शूडो फोर्स इसको पीछे लग रहा है, इसका मतलब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए, वहां भी तो ऐसा ही था, आगे तो लग रहा है ब्लॉक को, तो क्योंकि रियल फोर्स है तो यानी रुका हुआ है, तो एफ एस इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ, एम ए, क्यों, क्योंकि तो फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे ना हम लोग, कितना हो गया, 2 × 5 = 10 newton, ये आंसर है, ठीक है, इसको लिख लो भाई पहले, ये तो फिर कहोगे कि सर लिखने नहीं देते हैं, जबकि मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ, वीडियो लेक्चर भी आपको भेजे जा रहे हैं, और फिर भी नहीं पढ़ने के, हजार बहाने ढूंढ लो तो ढूंढ ही लो भाई, क्या कर सकते हैं, सर नहीं हाँ हाँ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी बात हो तो मुझे बताया करो ना, दुनिया जाने के लोगों को बताने की जरूरत क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, बताया करो, पड़ोस को बताओगे जिसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी नहीं, लिख लिया, हाँ सर, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस फ्रेम में बैठ के देखना है, उस जिस फ्रेम में बात करेंगे उसको रोक देंगे, और उसके बाद शूडो फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप जा रहे हो, जो फ्रेम मूव कर रहा है उसके फ्रेम में जब जाओगे तो उसके एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लेना है आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, तो एक तो ये पार्ट था, और अभी यहाँ भी यूज करूंगा मैं, अभी फ्रिक्शन में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में जो ग्राफ मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन को लेकर, फिर से समझ लेते हैं, अच्छा मैं संडे को आपकी जो संडे को क्लास है वो 6 to 8 है ना केमिस्ट्री क्लास, यस सर, तो फिर फिजिक्स की क्लास 4 बजे, ठीक है, भला नहीं ऐसा करेंगे नहीं तो 3:30 से, हाँ शाम को 3:30 से रखते हैं, 3:30 to 5:30, ओके ओके सर, चले हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसमें भी था लेकिन वैसे तो बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि डाउट है डाउट पूछ लो, बहुत बढ़िया है, मतलब क्लियर है ये, मतलब वो जो बंदा पूछ रहा है इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है,
तो ऐसे डाउट आप पूछ लो, मुझे बता दो, मैं यहाँ इस तरह से बता दूंगा कि भाई इसका ये ऐसे है, नहीं भी समझ में आता है फिर से पूछ लो, है ना। तो ये सही होता है। अब पढ़ते भी नहीं है, हजार बहाने हमारे हैं, है ना, तब तो भाई फिर वो चीज अपने को पसंद नहीं है। जो डाउट है पूछो ना, उसमें बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे। अरे आप 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया तुरंत पूछो, फिर भी समझ में नहीं आया बाद में पूछो, नेक्स्ट क्लास में पूछो, व्हाट्सएप कर दो, बता देंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये एडजस्टेबल फोर्स है, यानी जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो उस हिसाब से एडजस्ट करता है, ओके। और इसके अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके बारे में बात हुई थी हमारी, है ना। तो क्या था हमारे पास में, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ये हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर रहा था। और ये हमारे पास में मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू थी, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू, जिसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, ओके। और क्या बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उस केस में बात करेंगे जब सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन टेंडेंसी यानी स्लाइड करना चाहते हैं लेकिन स्लाइड नहीं हो रहा है। जैसे मैंने वो बॉक्स का एग्जाम्पल लिया था क्लास में, तो यहाँ मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं हम लोग। मान लो ये बॉक्स ही है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इसका मास मैंने मान लिया कि मान लो 10 kg है, और जी की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ 10 m/s² है, और यहाँ अपने को म्यू एस भी हमने लिया है, मान लेते हैं 0.6 है, और म्यू के मैंने ले लिया मान लो 0.5 है। ये हमारे पास में इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। सबसे पहले हम लोग एफ लिमिटिंग या एफ मैक्स, इसका मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, म्यू एस एन है, एन पहले निकाल लेंगे, इसका एफ बी डी बनाओ, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसको डाउनवर्ड एम इंटू जी लग रहा है। एम की वैल्यू कितना है, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 N, है ना। तो यहाँ एन डैश ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ ऊपर वर्टिकल तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसका मतलब है जब आप इसका एफ बी डी बनाए आए हैं, इस पर साथ जितने भी फोर्सेस सबका आप क्या करोगे, बैलेंस कराओगे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो एन डैश इक्वल टू क्या हो गया, 100 N आ गया। इसका मतलब है 0.6 × 100 कितना हो गया हमारे पास में, 60 N हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी देख लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन तो ये होता है जब भी स्लाइडिंग होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो म्यू के एन डैश यानी 0.5 × कितना हो जाएगा, एन डैश की वैल्यू 100 है, तो ये आ गया हमारे पास में 50 N, ओके। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमारे पास में जब तक हम लोग 60 या उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ब्लॉक मूव नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर 50 N तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब आएगा ना जब वो स्लाइड करेगा, स्लाइड नहीं करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो स्लाइड कब करेगा, या तो 60 N फोर्स लगाओ या उससे ज्यादा लगाओ तब ये स्लाइड करेगा, अदरवाइज स्लाइड नहीं करेगा। यानी अगर आपने 55 N भी लगाया तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ओके। चलो करते हैं, तो अगर मान लो मैं एक एक करके बात करता हूं, मैं यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, यानी इस तरह से ये ब्लॉक है, यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू ले रहा हूं मैं एफ की वैल्यू, अगर मैंने 0 लिया,
कोई एफर्ट्स नहीं, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ यहाँ, जीरो ही तो हुआ। ठीक है, ये लिख लो भाई पहले। सर हाँ बोलो सर, स्लाइड करते टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से? बताएंगे ना, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, आज दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार रिजल्ट का तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, 83 स्टूडेंट्स में से मेंस में क्वालिफाई होते 47 और एडवांस में क्वालिफाई हुए 25। तो ये बेटा मेहनत करोगे तो आप भी ऐसा ही निकलोगे, लेकिन ये कि टीचर जैसा बोल रहा है वैसा फॉलो करिए। ठीक है, बस जो बोल रहे हैं वो करते जाइए, दिमाग मत लगाइए इधर उधर का, ऐसे आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लिख लिया आपने ये? यस सर, हो गया। और अब यहाँ देखिए आप, मैंने जब एफ की वैल्यू जीरो लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा भाई, कोई ब्लॉक अगर रखा उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया आपने तो ब्लॉक क्या फ्रिक्शन जो हम आप सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम वैल्यू आ तो रही है, फिर लगाया थोड़ी है भाई, ऐसे तो होता तो घर में बॉक्स रखे अपने आप चलने लग जाते हैं, हमारी जरूरत नहीं पड़ती उसको, है कि नहीं? तो अब यहाँ ये हमारे पास में क्या हो गया, जीरो आ गया। दूसरा, अगर एफ की वैल्यू मैंने 10 न्यूटन लगाई तो अभी भी मुनी करेगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब एफ बीडी बनाओ इस पर हमने 10 न्यूटन लगाया तो मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो गई, यहाँ 10 न्यूटन ही हो गई, और इसका एक्सेलरेशन क्या बना हुआ है, जीरो बना हुआ है, क्योंकि एडजस्टेबल है ना, एडजस्ट करता जाएगा। फिर मान लो मैंने एफ की वैल्यू 30 न्यूटन लगाई तो फिर भी स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि एडजस्टेबल है, तो एफएस कितना डेवलप हो जाएगा, यहाँ एफएस डेवलप हो जाएगा क्योंकि मैंने एफ इक्वल टू 30 न्यूटन लगाया, तो डेवलप हो जाएगा 30 न्यूटन, क्योंकि जब तक आप 60 तक नहीं पहुंचोगे तब तक बात ही नहीं करेगा, वो मतलब ही नहीं है। अब मान लो मैंने 50 लगाया, अब आप कहेंगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई नहीं है, बेटा जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाएगा तब तक कोई बात ही नहीं करना है, ये 50 न्यूटन यहाँ डेवलप कर लेगा। मैंने मान लो 55 लगाया, मतलब 55 लगाया, तो आप देखोगे 55 डेवलप हो जाएगा, अगर एफ की वैल्यू मैंने 55 न्यूटन लगाया तो। इधर ले लेते हैं तो 55 के बाद 6th ना, तो यहाँ 6 तो क्या हो जाएगा, मैंने मान लो F इक्वल टू 59 न्यूटन लगाया, अभी भी स्लाइड नहीं करेगा, मालूम है ये क्या करेगा, यहाँ F is equal to 59 ही डेवलप हो जाएगा, और हमने इधर कितना लगा रहा है 59, मैंने मान लो 59 सेवंथ ले लेते हैं, मैंने मान लो F इक्वल टू 59.99 भी लगाया, अभी भी स्लाइड नहीं करेगा, मालूम है अभी भी उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ डेवलप हो जाएगा 59.99 न्यूटन। एफ इक्वल टू कितना लगाया था, क्योंकि हमने 59.99 न्यूटन, उतना डेवलप हो जाएगा है। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही मैं एफ इक्वल टू 60 न्यूटन लगाऊंगा ये इमीडिएटली क्या होगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देगा, और इमीडिएटली जैसे मैंने यहाँ 60 न्यूटन लगाया आप देखो इमीडिएटली इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा,
तो इस केस में क्या होगा, एज वी अप्लाई, वी अप्लाई the force F equal to 60 Newton block starts sliding, और जैसे स्लाइड करेगा immediately kinetic friction आ जाएगा. As we apply the force F equal to 60 Newton, block starts sliding. क्यों? क्योंकि जितना वहां मैक्सिमम हो सकता था उसके इक्वल आपने लगा दिया, तो वो कॉन्टेक्ट क्या करता है, इमीडिएटली ब्रेक कर देता है. तो यानी जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ना वहाँ, बताएंगे अभी उनके बारे में, वो कोल्ड वेल्डेड बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक जैसे होगा क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा. और फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. तो एज वी अप्लाई द फोर्स F equal to 60 Newton, block starts sliding and kinetic friction force starts acting. Okay? तो ये कॉन्सेप्ट है. तो क्या हुआ यहाँ, पहले इसको भी लिख लो भाई, फिर आगे कहानी बताऊंगा मैं. यहां से ऊपर का तो लिख लिया था, यहां से लिखो. सर थोड़ा नीचे और नीचे सर, नहीं सर लास्ट का लिखना था. अच्छा लिख लो. लिख लिया यस सर. अब यहां ग्राफ बनाते देखो. तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, हम ये क्या आता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया, और इधर ये क्या है, एफ एस है. तो आप यहाँ देखो कि जब मैंने जीरो लगाया तो जीरो मिला, फिर मैंने क्या लगाया देखो, इसी की वैल्यू को रखते जाएंगे ना हम लोग. 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन मिला, तो 10 न्यूटन यहाँ मिला, 10 न्यूटन यहाँ अप्लाई किया था मैंने. फिर मैंने कितना अप्लाई किया, 30 न्यूटन अप्लाई किया. 30 न्यूटन अप्लाई जब किया तो आप देख रहे हो कि 30 न्यूटन जब अप्लाई किया तो 30 न्यूटन मिला, और जब जीरो था तो जीरो था. इसका मतलब है कि ये वैल्यू, ऐसे दोनों पॉइंट को आप मिला लो पहले, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी ना. और आपको भी पता है स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि जितना, इसका मतलब क्या हुआ कि y equal to x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा है तो मिलेगा y equal to x का, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, है ना. लेकिन ये कहां तक जा रहा है, ये जो बात हुई हमारी,
आपकी होती 60 न्यूटन. हमने अप्लाई किया, इमीडिएटली क्या करेगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा. तो यहाँ जैसे आएगा तो इमीडिएटली क्या करेगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट ब्रेक करके इमीडिएटली ये इस वैल्यू पे चला जाएगा, 15 न्यूटन पे चला जाएगा. क्योंकि उसी इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर रहा है ना. तो यहां से वैल्यू एकदम इमीडिएटली डिक्रीज करेगी. उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट हो जा रहा है. तो ये वैल्यू कितनी, क्योंकि ये तो F के है ना, तो 50 न्यूटन हो जाएगा इमीडिएटली वो. तो यहाँ जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, इमीडिएटली क्या करेगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर जाएगा. और ये वैल्यू क्या है यहाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन. और उसके बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ये ग्राफ मैंने बनाया था बस, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना उसके बाद. तो अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर. है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो ये कॉन्सेप्ट आओ. ओके, तो ये समझ में आ गया, तो काफी चीजें समझ में आ जाएगी. अब बात ये आती है कि जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता नहीं पाते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन की तो बताना बड़ा आसान है. कैसे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में तो है कि स्लाइड, जब सरफेस से स्लाइड ही कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, उसके अपोजिट कर लेंगे. प्रॉब्लम आती है स्टैटिक फ्रिक्शन में, जब कई सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं तब हम लोग कर नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं कि इसके डायरेक्शन क्या होगी. ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो इसमें एक नोट में लिखवा रहा हूं, उस नोट को आप याद रखिएगा. सिंपल सा नोट है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन क्या होगी. मतलब सबसे बड़ी बात आती है डायरेक्शन की, बाकी इतनी दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि डायरेक्शन मिल जाएगी तो हमें ये भी मालूम है कि दो सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आता है तो स्लाइडिंग तो होती नहीं है, है ना. जब स्लाइडिंग होती नहीं है तो इसका मतलब अपने को दिख जाएगा उस पर कि फोर्स किधर लग रहा है. लेकिन एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जाके देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो एक पॉइंट, कुछ पॉइंट से वो लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. एक मिनट देखो, है ना. तो कैसे डिसाइड करेंगे वो पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं. डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि यहां तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हो गया. डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, करेंगे. और वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है तो पहले उसका उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. यानी किसी सरफेस पर अगर रखा है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. कहने का मतलब ये है ना. तो क्या करेंगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम with respect to another object on which it is placed. Okay,
draw the free body diagram with respect to another object on which it is placed. पहला तो ये पॉइंट होगा. दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? अब जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे सारे फोर्सेस को क्या करना है? इंक्लूड करना है, क्योंकि सारे फोर्सेस जो होंगे वो तो रियल फोर्सेस होंगे. हो सकता है कि अच्छा शूडो फोर्स भी हो, क्योंकि जो जिस बॉडी पर जिस ऑब्जेक्ट पर ये ऑब्जेक्ट रखा है हो सकता है वो एक्सलरेट कर रहा हो. तो क्या करना है? दूसरा पॉइंट होगा इंडिकेट दी indicate the all forces including pseudo force. तो ठीक है, जितने भी forces हैं सारे force real होंगे, साथ में अगर वहां pseudo force है, क्योंकि कब लेंगे pseudo force? अगर वो object मान लो जिस ऑब्जेक्ट पे रखा है वो ऑब्जेक्ट जो जिस ऑब्जेक्ट पे रखा है जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस अगर एक्सेलरेट कर रहा है उसका शूडो फोर्स भी तो आएगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग. लिखा ना ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज प्लेस्ड. जैसे भी मैंने एक ऊपर क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं आपको. इंडिकेट द ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग शूडो फोर्स टू. तीसरा है ना, तो ये हो गया इंडिकेट दी ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग शूडो फोर्स टू. और डिसाइड दी रिजल्टेंट फोर्स अलोंग दी डिसाइड दी रिजल्टेंट फोर्स decide the resultant force along the surface hai na, decide the resultant force along the surface. agar maan lo aur bhi forces jo bhi forces hai maan lo surface ke along nahi hai तो क्या करेंगे? सरफेस के अलावा उन सबको रिजोल्व करेंगे, है ना. अभी समझ में आ जाए, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा आपको. तो डिसाइड द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द सरफेस. After resolving the forces along the surface, okay, for so decide the resultant force along the surface after resolving the forces along the surface, okay, then direction of static friction force will be opposite to the resultant force which is along the surface.
तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एक तरह से ये कंपोनेंट भी तो हो सकता है जो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अलोंग दिस सरफेस, यानी फिर से यहाँ समझ लो, डिसाइड द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग दिस सरफेस, जो रिजल्टेंट फोर्स आप डिसाइड करोगे अलोंग दिस सरफेस, यानी कोई और फोर्स नहीं होगा जो हो सकता सरफेस के अलोंग ना हो, तो क्या करेंगे आफ्टर रिजोल्विंग दी फोर्सेस अलोंग सरफेस, ये ध्यान रखना है, देन डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स विच इज अलोंग द सरफेस, ठीक है, यानी एक तरह से क्या हो सकता है जो रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा उसका एक तरह से रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा उसका ये जो मैं अलोंग द सरफेस बोल रहा हूँ तो कोई भी रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के ऊपर होगा उसका क्या होगा ये कंपोनेंट होगा एक तरह से अलोंग द सरफेस, ये भी कह सकते हो, है ना, ये कह सकते हो यहाँ, और कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द सरफेस, एट विच static friction is calculated, ये लिख लो इसको पहले फिर आगे की बात करेंगे हम लोग, तो लिख लिया था सबने, क्लियर है भाई सबको ये वाला पॉइंट, और नहीं है तो अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी सब समझ आ जाएगा, लिख लिया? हाँ सर। यस सर। चलिए देखो क्वेश्चन करते हैं, मान लो जैसे कि वापस से वही केस ले लेता हूं मैं,
कि ये बस है मान लो, और ये इधर मान लो एक्सलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बस, एक ब्लॉक मान लो यहाँ रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास से मान लेते हैं 2 kg और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है ना, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 5 kg ले लेता हूँ, ट्वेंटी न्यूटन फोर्स मान लो हमने इधर लगाया है ना, और एक और ये इधर भी हमने एक फोर्स लगाया, मान लेते हैं F2 = 5 न्यूटन। ओके, और ये जो एंगल बना रहा है ये मान लेते हैं कि 37 डिग्री है। अब ये जो ब्लॉक है लेकिन यहाँ ये ए के साथ जा रहा है, किससे मतलब बस के साथ मूव कर रहा है, ये फोर्सेस दिखा दी मैंने आपको। अब ये कह रहा है फाइंड सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस, देन फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड दी देन फाइंड दी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन दी ब्लॉक। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको, पहले क्वेश्चन क्लियर है, आगे चले। एक मैंने यहाँ F1 F2 भी लगाया, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, ग्राउंड से देखेंगे तो कौन कौन से लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड MG लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, ये चारों के चारों रियल फोर्स हैं, है ना। अब मुझे लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताना है, उसकी डायरेक्शन बताना है किधर लग रहा है, तो जितने भी फोर्सेस हैं सबको क्या करेंगे, अलोंग दी सरफेस रिजोल्व करेंगे और उसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करेंगे। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से आएगा, जो सरफेस के अलोंग जो सरफेसेस हैं, सरफेस के अलोंग जो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उससे ही क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। देखो कैसे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू बस चला जाऊंगा, यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम, क्योंकि लिखा उसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज प्लेस्ड। इसका मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम अगर है, या मान लो एक्सलेट भी नहीं कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में जाके हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा होता तब भी हम लोग उसके रेस्पेक्ट में जाके बात करते हैं। ओके, तो यहाँ जो बस का सरफेस है वो एक्सलरेट कर रहा है, तो देखो कैसे करेंगे, है ना, तो इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो मेक दी FBD ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बस, क्या करेंगे बस के रेस्पेक्ट में चले जाएंगे, तो बना लेते हैं बस को भी बना लेते हैं, और बस तो रुक गया लेकिन, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, हर बार बोलता हूं मैं, जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रोक देते हैं। तो ये ब्लॉक क्या ले आया हूं मैं, इस ब्लॉक पे देखो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, MG, जो कि M कितना है इसका 5 है ना, तो W = 5 × G लग रहा है। इधर क्या लग रहा है इसको, F2 लग रहा है, F2 कितना है यहाँ इसके ऊपर 5 न्यूटन है। इधर क्या लग रहा है, ये 37 है, ये F1 है, कितना है 20 न्यूटन है। ऊपर क्या लग रहा है, N' है, तो N' और W को तो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो वैसे ही सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, तो किस किस को रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ देखो, अच्छा सूडो फोर्स भी है क्योंकि इसको हमने रोक दिया, सूडो फोर्स किधर जाएगा, पीछे, कितना जाएगा इसका मास, कितना 5, इसका मास कितना 5, तो
5 इनटू ए इक्वल टू क्या हो गया एफपीएस आ गया। ओके अब यहां देखो सबको रिजोल्व करेंगे तो मैं इसको यहां ले लेता हूं अलोंग सरफेस के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं उसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है तो ये फोर्स इधर कितना है तो 5 × 2 यानी एफपीएस कितना आ रहा है 10 न्यूटन दूसरे जा रहा था ना भाई ये। हाँ यहाँ देखो F1 को रिजोल्व करोगे आप तो एन डैश तो यहाँ है ही F1 क्या है यहाँ देखो F1 कितना हो जाएगा साइन 37 कितना आ रहा है F1 की वैल्यू 20 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5 तो 4 यानी कितना आ गया 12 न्यूटन। इसका ये कंपोनेंट भी है क्या आ रहा है यहाँ F1 cos 37 साथ में एक ये भी तो है F2 तो F2 इक्वल टू कितना 5 न्यूटन पहले इसको रिजोल्व कर लें तो ये कितना हो रहा 20 इंटू 4/5 तो कितना हो गया 4 यानी कितना रहा 16 न्यूटन। अब ध्यान से देखो इधर कितना है ये और ये उस डायरेक्शन में डायरेक्शन में 10 न्यूटन इधर कितना रहा 16+5 कितना आ गया यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर आप देखो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इधर रिजल्टेंट क्या रहा है यहाँ एफ रिजल्टेंट द्वारा 16+5 − 10 तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास में 11 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा एफ एस इक्वल टू 11 न्यूटन क्यों क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो यही आंसर है भाई ये बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा यहाँ अभी जो ऊपर पॉइंट लिखवाया उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई क्लियर है सबको हाँ सर इतनी देर बाद आवाज yes, sir. है ना yes, लिख लो अभी इसको लिख लो सब लिख लो इसको क्वेश्चन को कहाँ से लिखना था ये सारे पॉइंट लिख लिए थे आप लोगों ने तो क्वेश्चन लिख लो सर ये वाला मेथड सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं ना सारे उसी के लिए लिखवाया मैंने सारे फोर्सेस सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके लिख लिए ये भी लिख लो और एग्जांपल 9 करो बाप पेज नंबर आ जाओ आप 4 पर पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल एम इज केप्ट ऑन रफ टेबल एज सीन फ्रॉम अबव फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट एज शोन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव
हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? नहीं हुआ सर। ये तो लिख लिया ना सबने? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो फिर, सोचो क्या क्या करना है इसमें। हो गया? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है उसमें, छोटा सा क्वेश्चन है तो। हो गया, हो गया ना? देखो क्या था, इधर देख लो आप। इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन रफ टेबल एज शोन एज सीन फ्रॉम अबव, यानी टॉप से देख रहे हम लोग, टेबल पे रखा हुआ था। मान लो ये ब्लॉक ऐसे टेबल पे था, मान लो ये टेबल इस तरह से थी, तो ये दरअसल इस ब्लॉक को कहां से देख रहा है? यहां से देख रहा है। तो ब्लॉक कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। तो यहां ये कह रहा है कि एक फोर्स इसने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, एफ वन इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना, और एक फोर्स ऐसे लगा रखा है, कितना लगाया? 15 न्यूटन। लेकिन इस टेबल के रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है ना, टेबल पर ये रखा है लेकिन टेबल के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे ना पहले, बाद में फिक्सिंग की बात बारे में बात करोगे। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा जो कि इस प्लेन, इसके प्लेन के यानी सरफेस के अलोंग ही दोनों फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट भी इधर आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये रिजल्टेंट आया इनका सर, ये वाला। हाँ बोलिए सर, यहाँ पे बुकलेट में अलग क्वेश्चन है। कौन से नंबर का था आपके बुकलेट में? एग्जांपल 9। हाँ सर, क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन ये कौन सा एग्जांपल? आपके फिगर कौन सा है? 11 11th है ना? ठीक है, तो आपके हिसाब से 11th कर लेते इसको। तो 9th क्या क्वेश्चन था जो? सर इंक्लाइन प्लेन पोर्शन ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ डिमेंशन अल्फा इज स्मूथ एंड द लोअर पोर्शन ऑफ इज रफ। वेट आ सर, ये था क्या? फाइंड द टाइम टेकन इन द अबव एग्जांपल बाय द ब्लॉक टू रीच इनिशियल पोजीशन, ये वाला है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था दरअसल। वो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब आप, मैं तब तक आप लोगों के जो बुकलेट है वो निकाल लेता हूँ। करो तो करो इसको।
गया सर। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। दो मिनट सर। हाँ हाँ तो कितना आ जाएगा ये FS, कितना आ रहा है? 25 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 15 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर, और ये मिला के आ रहा है रूट 625, यानी कितना आ गया 25 न्यूटन। इसका मतलब इधर भी कितना, क्योंकि रेस्ट पर है, 25 न्यूटन फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ डेवलप हो जाएगा, यही आंसर है ना। चलिए ये तो हो गया, आपके सॉर्ट एग्जांपल्स हैं, सॉर्ट एग्जांपल पे जाइए। तो आपके बुकलेट के सॉर्ट एग्जांपल पर आइए आप लोग, उसका पहला क्वेश्चन क्या है सॉर्ट एग्जांपल का, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका क्वेश्चन नंबर क्या है उसका? Find the direction of kinetic friction force. आपके सॉर्ट एग्जांपल कितने दिए इन्होंने? सॉर्ट एग्जांपल कितने दिए? 32। अच्छा, आपके ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड एक्सेलरेशन ब्लॉक, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, दो क्वेश्चन। यस सर, पहला सॉल्व एग्जांपल 13 दिया ना। तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके हिसाब से कौन सा है, यानी पहला क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ, तो इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ जो फोर्स लगा रहा है दरअसल 50 न्यूटन है, एफ की वैल्यू कितना 50। अच्छा यहाँ देखो, इसने म्यू दिया है, तो जब ये नहीं दिया हो ना कि म्यू के म्यू एस, इसका मतलब जब म्यू देने का मतलब ये होता है कि म्यू के इक्वल टू क्या है यहाँ, म्यू एस है, इस बात को ध्यान रखना है, और ये इक्वल टू म्यू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाती है, तो तभी तो स्लाइड करेगा ये, तो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन डैश लग रहा है, डाउनवर्ड कितना लग रहा है यहाँ, 10 × g की वैल्यू में यहाँ 10 m/s² ले रहा हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ एन डैश की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इधर तो इसको जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन है, तो जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा, तो हमें तो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी एफ एस मैक्स या एफ लिमिटिंग निकालनी है, जो कि क्या होता है म्यू एस एन डैश होगा, है ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास में ये एफ एस है, तो कितना आ जाएगा ये 0.5 × n डैश की वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ये n डैश के इक्वल होगा, n डैश की वैल्यू आ रही है 100 न्यूटन, तो रखो यहाँ × 100 न्यूटन, कितना आ गया है 50 न्यूटन आ गया। अब यहाँ देखो, इस केस में म्यूकेर म्यूएस सेम है, इसलिए स्लाइड ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर स्लाइड करेगा तब भी 50 न्यूटन ही डेवलप होगा, तो यहाँ कितना डेवलप हो गया है, इसका मतलब 50 न्यूटन। इस पर आप देखो कि नेट फोर्स क्या आ गया,
जीरो आ रहा है तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना आ गया, जीरो आ गया ना। इस केस में ये स्लाइड नहीं करेगा, आपने भले 50 न्यूटन लगाया, उसका रीजन क्या है कि म्यू के की वैल्यू भी 50 न्यूटन ही है, तो 50 माइनस 50 कितना हो गया, जीरो। अगर स्लाइड भी करना चाहेगा तो 50 माइनस 50, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। ये बात समझ में आई? और ये क्वेश्चन लिख लिया ना भाई सबने, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी। अब ये क्वेश्चन करो आप, जिसमें 37 डिग्री एंगल बना रहा है ना, 10 केजी का ब्लॉक है, कौन से नंबर का है आपका है? फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। 10 केजी फॉर एग्जांपल नंबर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 37 पर, ये क्वेश्चन करो। हां सर, 13th एग्जांपल, 13 एग्जांपल है ना, करो एग्जांपल 13। और ये जो अभी क्वेश्चन किया कौन सा एग्जांपल था है? 12 करो, इसको करो 13 करो, फिर उसके आगे वाला कौन सा है 12, ये भी करो। आपके हिसाब से 14 होगा है ना, करो उससे क्वेश्चन, तब आपको समझ आएगा। ये अगर 13 है तो आप क्या करो, देखो कहाँ से करना है, फिर तो आपको 14, 15 आपको कौन कौन से एग्जांपल करने, 14, 15 17 वाला तो मैं अभी बताऊंगा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कर लो पहले।
हो गया सर। सारे क्वेश्चन हो गए जो दिए मैंने 16 तक। ये ना 13, 14, 15, 16 ये करने, ठीक है ना? हो गया सर।
हो गया सर। नहीं सर एक मिनट। हो गया क्या? कितने लोगों ने कर लिया? सारे क्वेश्चन कर लिए? गुड। चलिए जिनसे नहीं हुआ पूछ सकता है, बता दूंगा मैं। सर 16 सम चाहिए ना एक बार। 16 बताऊं? यस सर। 16 मेरे हिसाब से कौन सा होगा? आप मुझे थोड़ा रीड करके बताएं क्वेश्चन क्या था। यस सर। फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड्स सो दैट ब्लॉक डजंट मूव। क्या था? फाइंड मिनिमम क्या है? क्या फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन है नहीं मेरे। अच्छा find out the minimum force that must be applied on the block vertically downwards so that the block does not move। ये question है ना? ये कौन से number का है? 16 number का है आपके, है ना? Yes sir। देखो क्या question है। Find out the minimum force that must be applied on the block vertically downwards so that the block does not move। तो यहाँ आपको फिर से देखो इसमें mu s equal to mu के दिया हुआ है जो कि mu है और ये 0.5 है। एक ब्लॉक यहाँ अपने को दिया हुआ है इस पर, ये रफ सरफेस है जिसका mu अपने को गिवन है और ये हमारे पास में 10 kg है और इधर जो फोर्स हमने लगाया वो 100 न्यूटन है। हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एफ डैश फोर्स लगाना है, उसकी वैल्यू क्या है कि ये ब्लॉक मूव ना करे। जस्ट मिनिमम की बात कर रहा है क्योंकि अगर आप उसको एफ डैश को बढ़ाते गए, अगर एफ डैश को आप इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो तो 100 न्यूटन ही है, तो यहाँ क्या करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 100 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए, तभी तो जस्ट स्लाइड करेगा है। ये बात समझना ही पहले। तो आप यहां देखो इसका एफ बी डी बनाओ, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि इसका मास 10 के जी, जी की वैल्यू मैं यहाँ 10 ले लेता हूं, तो 10 इंटू जी वर्टिकली क्या लग रहा है इसको? एन डैश। और एक फोर्स हम लोग नीचे की तरफ लगा रहे हैं एफ डैश, तो वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब एन डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ? एफ डैश प्लस 10 जी होना चाहिए और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ? म्यू एस इंटू एन डैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन म्यू के और म्यू एस की वैल्यू क्या है यहाँ? सेम है। ये वैल्यू यहाँ रख दो, यानी 100 इक्वल टू म्यू एस और ये हो गया एफ डैश प्लस 10 जी, तो 100 इक्वल टू 0.5 एफ डैश प्लस 10 इंटू जी। तो आप देख रहे हो कि ये हो गया हमारे पास में 1000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू एफ डैश प्लस ये कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया यहाँ देखो, ये हो गया 200, यानी एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया 200, है ना? इससे कितनी बार गया है 200 माइनस 100,
यानी कितना लगाना चाहिए, 100 न्यूटन, ये आंसर आना चाहिए, मिनिमम फोर्स ये आना चाहिए मतलब। बात क्लियर है? यस सर। और भी कोई डाउट है इसके पहले? भाई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, और इस क्वेश्चन को भी लिख लो जिससे नहीं हुआ है। भाई हो गया, सबसे हो गया क्वेश्चन, बताओ क्या क्वेश्चन। अरे वाह, लिख लिया है सबने, आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड resultant reaction force, angle between the normal reaction force and resultant reaction force, resultant reaction force of friction force and normal force. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आप कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले बताता हूं मैं, मान लो ये ग्राउंड है, फिर वापस उस डेफिनेशन पर आऊंगा मैं। ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, आप देख रहे हो कि इसको नॉर्मल वर्टिकली लग रहा होगा, और अगर हमने यहाँ फोर्स एफ लगाया है तो आप इसका एफबीडी बनाओ, इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, और ये नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ जो नॉर्मल आप देखोगे इन ये, क्योंकि देखो ये फ्रिक्शन फोर्स भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये भी, ये क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो दरअसल ये जो एफ है ये भी क्या है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स ही तो है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टेक्ट की वजह से आ रहा है, सर दोनों सरफेसेस के बीच में कॉन्टेक्ट है, कौन कौन सा, ये ग्राउंड और ब्लॉक का लोअर सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट है, तभी तो फोर्स आ रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी क्या है कॉन्टेक्ट फोर्स है, इन दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, जो कि ये कितना है आर है, यानी इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिजल्टेंट किस किस का है, ये नॉर्मल का होल स्क्वायर, एफ एस का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये जो एंगल होता है इसी को ही बोलते हैं
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया 10 लैम्ब्डा इक्वल टू हो गया एफ एस बाई एन। तो मैंने क्या लिखवाया था, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स आ रहा है, या रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स भी आप बोल सकते हो। तो वो जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग है, यानी ये वैल्यू क्या है म्यू एस एन है मान लो, है ना। तो रखो यहाँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, यानी ये आ जाएगा एक तरह से 10 लैम्ब्डा, है ना। इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ तो 10 लैम्ब्डा मैक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, म्यू एस एन बाई एन, यानी म्यू एस, यानी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10 इनवर्स म्यू एस। इसका मतलब है कि अगर लैम्ब्डा लेस देन इक्वल टू लैम्ब्डा मैक्स है, ब्लॉक विल नेवर स्लाइड, जब तक लैम्ब्डा की वैल्यू लैम्ब्डा मैक्स से कम है या इक्वल भी है ना, या जस्ट अगर बात करें म्यू की और म्यूस की बात करें तो जस्ट इस केस के लिए क्या होगा, अगर ऐसा है तब तो कभी स्लाइड नहीं करेगा, ये इस केस में तो कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ना आप, क्योंकि लैम्ब्डा मैक्स कब होगा आप खुद ही देखो, जैसे जैसे हम लोग इधर एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इस एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एफ एस बढ़ता जाएगा, एफ एस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसा होता जाएगा ना एक्चुअल में, अभी लिखने को देता हूं मैं क्या होता जाएगा। देखो भाई नॉर्मल तो फिक्स है, वो तो एम जी की वजह से आ रहा मान लो इस केस में, तो आपने मान लो कुछ फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट इन दोनों का किधर मिलेगा, इधर मिलेगा मान लो, और आपने फोर्स बढ़ाया तो एफ एस बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। लेकिन अगर एफ एस की वैल्यू एफ मैक्स के इक्वल हो गई तो ये जो एंगल होगा ये सबसे ज्यादा एंगल होगा ना लैम्ब्डा मैक्स, ठीक है, तो इसके चांस क्या है, स्लाइड करने के चांस है। बात समझ में आ गई है, तो अगर एंगल इससे कम रहा तो ब्लॉक कभी भी स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक विल नेवर स्लाइड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, तो आप ये लिख लो पहले। सर थोड़ा ऊपर लिख सकते हो डेफिनेशन के बारे में, ऊपर का भी लिखना है ये सर, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन ही बात। हाँ ये दिया ना मैंने, लिखो ना। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं नहीं तब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करते हम लोग। बात सुन आ गई यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। यस सर।
लिख लो, फिर मैं अभी आपको एंगल ऑफ रिपोज भी बता देता हूँ। लिख लिया नहीं, आगे चलें? नहीं सर, लिख ले सर, टैन के बाद लिख ले। हाँ लिख लो। तो फिर यस सर, हो गया, हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एंगल, ये भी लिखना है तो बना सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट वही था। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। It is the maximum angle of inclined plane at which block starts sliding. Okay. It is the maximum angle of inclined plane at which block starts sliding. मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे कि ये inclined plane है हमारे पास में, है ना, ये inclined plane है, मान लो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं और ये अभी ऐसे रखा हुआ है और इसके ऊपर मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है। जैसे आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपके पास में नोटबुक होगा, उस नोटबुक पर उसको पहले हॉरिजॉन्टल कर लो और उस पर इरेजर रखो। अब उसको क्या करो, एक साइड से ऊपर करो, यानी ऐसे, तो आप देखोगे कि मान लो ये एंगल है, इस पर ये पता चला कि स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन है ना, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, धीरे धीरे लेके जाओ तो स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्लाइड करने लगता है। तो जिस एंगल पर वो स्लाइड कर रहा है ना इरेजर, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मेरी क्या से बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने मान लिया यहाँ इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू एस है और म्यू के भी है, लेकिन म्यू के करस्पॉन्डिंग बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्लाइड करेगा ये तभी स्लाइड करेगा जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जब पहुंचेगा वहां फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हमें मालूम है कि इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। तो मैं पहले यहाँ समझा लेता हूँ कि मान लो इस एंगल पर ये स्लाइड कर रहा है, ये एंगल हमने और बढ़ाया और मान लो यहाँ जाके ये स्लाइड कर रहा है और ये एंगल आ गया मान लो अल्फा, ये जो अल्फा एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर ये स्लाइड करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा इधर, एम जी साइन अल्फा, एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा, और इधर क्या लग रहा है इसको नॉर्मल, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा किसको, ब्लॉक को। तो ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, वो क्या होगी यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो आ जाएगी म्यू एस एन होगा ना,
इसका मतलब हुआ कि n इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा और म्यू एस एन इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू, यानी टू इज डिवाइडेड बाय वन, तो म्यू एस एन बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यानी टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा इक्वल टू आ गया म्यू एस। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है हमारे पास में, टेन इनवर्स म्यू एस, यानी ये एंगल ऑफ रिपोज है। और इफ थीटा लेस देन अल्फा है, ब्लॉक विल नेवर स्लाइड। बात समझ में आ गई ये वाला कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, पर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसको भी लिख लो आप, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। सर हाँ बोलिए सर, फिर डेफिनेशन में मिनिमम मिनिमम एंगल आना चाहिए। मिनिमम क्यों आएगा, मैक्सिमम तो आएगा, कौन से मिनिमम एंगल पे वो मूव कर रहा है वो बोल रहा है ना, फिर उससे ज्यादा करेंगे तो मूव करेगा ही। अच्छा मतलब ये कह सकते हो कि जिस पे स्लाइड ना करे तो तब मैक्सिमम हो गया ना, ये समझ सकते हो आप ऐसे भी। हाँ ये भी सही करो, मिनिमम एंगल, ये भी बात सही है, यानी ये वो एंगल हो गया जिस पे स्लाइड नहीं करे, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो कि स्लाइड ना करे। क्लियर है, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ये लिख सकते हो आप इसमें। Does not start sliding, है ना, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है अभी, ठीक। और अगर स्लाइड करना है तो मिनिमम एंगल की बात करेंगे, है ना, उस केस में ये बात सही है कि बिल्कुल। तो इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग देन व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल, तब ये आ जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। मैं बात समझ में आ गई सबको? तो अब क्या करो, आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो इसका, जो एग्जांपल्स है ना, तो टू ब्लॉक्स वाले जो एग्जांपल है ना, जैसे इसमें दिए हैं, मैं आगे आगे चल के टू ब्लॉक्स वाले एग्जांपल वो नहीं करने हैं, लेकिन आप जैसे आगे के क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने हमने 16 तक किया ना, तो आप 17, 18 अभी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, लेकिन मुझे अभी इन क्वेश्चन एग्जाम्पल को तो रहने दो आप अभी, और टू ब्लॉक वाला भी रहने दो, लेकिन ये तो कर सकते हो ना आप, ये वाले क्वेश्चन करिए आप, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन तो कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन करिए आप, देखो ये तो हो गया, फिक्शन करने के इसमें एक मिनट को देखो कौन कौन से कर सकते हो आप, फिक्शन कर देख ही नहीं रहा, एक मिनट को अब
सेक्शन ए कर सकते हो, एक्सरसाइज वन के पार्ट वन में सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी कर सकते हो, है ना, बस सेक्शन ए और बी, पार्ट वन पार्ट टू दोनों का सेक्शन ए और बी दोनों करने हैं, ठीक है। और वैसे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी मैं क्वेश्चंस की, तो ए और बी ट्राई करो, हो जाए तो, नहीं होता कोई बात नहीं, क्योंकि अभी और प्रैक्टिस करवानी थी मुझे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो नहीं होंगे आपसे, जैसे बी सिक्स वाला हुआ, ये क्वेश्चन है, जैसे पार्ट थ्री तो करना ही नहीं अभी, वो तो अभी पढ़ेंगे इसको लेकर, तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ए और बी सेक्शन आप करो, नहीं तो ऐसा करो पार्ट एक्सरसाइज वन का पार्ट वन का ए बी करो और डीपीपी करो आगे का, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा फिर, चलेगा? डीपीपी करो, ठीक है। चलो फिर संडे को, अभी वैसे तो अभी इस वीक एक और क्लास है ना, तो वो दिन भी डिसाइड कर लेंगे कब रखना है अपने को। चलिए फिर, ओके बाय बाय, और जो भी डाउट है जो भी बात हो आप मुझे डायरेक्ट बताया करो, आप लोग मुझे वाया वाया चीजें पसंद नहीं, मालूम है कोई मुझे बताए ऐसा हुआ वैसा हुआ सब नहीं, आप मुझे बोलो ना डायरेक्ट सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई मान लो कोई आपको लगता है कि नोट्स नहीं बन रहे हैं आपको, नहीं लिखने दिए जा रहे हैं, तो बता दो मुझे कि टाइम दिया ना, जैसे आज टाइम दिया तो मुझे पहले बता देते, कई बच्चे बोलते तो हैं कि सर रुक जाइए मुझे लिखने दीजिए, अब मुंह फाड़ोगे नहीं मुझे बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो बोल दो मुझे जैसे आज क्या कि नहीं क्या, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलो ओके बाय बाय सर, ओके बाय 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 सर, बाय 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 बाय।